बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है। हाँ जी, ये आज मैं मसूर की दाल और ये चावल बनाने लगी हूँ। ठीक है। हाँ जी, जिसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो ये मसूर की दाल है, 500 ग्राम बंदी है तकरीबन। ठीक है। और ये हरी मिर्चें और सुरख मिर्ची, हरी मिर्ची वाली सुरख मिर्ची है, और ये लहसुन। ठीक है। आधा मैं तड़के के लिए इस्तेमाल करूँगी और आधा मैं इसमें डालूँगी, और नमक मिर्च और सुरख मिर्च ये डालूँगी। इसके अलावा मैं कोई मसाला नहीं डालूँगी। एंड पे तड़का लगाऊँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसे मैंने लगाना है। ठीक है। सबसे पहले मैं दाल डालने लगी हूँ प्रेशर के अंदर। हाँ जी, सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह दाल डालूँगी। हाँ जी, ये दाल मैंने डाल ली। इसके साथ ही मैंने ना ये सब्ज़ मिर्चें, ये सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी ये सुरख मिर्चें। ठीक है। और ये लहसुन ये डाल देना है। मेरे बच्चे ये नहीं खाते लहसुन, इसलिए आपको मैंने पहले ही बताया, जो बच्चे नहीं खाते उसका इलाज ये है कि आप जो है ना वो डाल दो, क्या कहते हैं, पीस के डाल दो। अब ये मैं सुरख मिर्च डालने लगी हूँ। सब्ज़ मिर्च डाली है और 1.5 ये डालूँगी और हाफ। हाँ जी नाज़री, ये हल्दी डाल दी, मिर्ची और ये नमक। ठीक है। नमक का इलाज हो जाएगा, बाद में डल जाएगा। सबसे पहले मैं ये डालने लगी हूँ कि थोड़ा सा घी इसलिए डालते हैं, जब हम प्रेशर बंद करेंगे ना तो ये ना अंदर ऊपर झाग बनती है, वो प्रेशर फिर ख़राब हो जाता है, बंद हो जाता है, फटने का भी खतरा होता है। आप लोग भी जब बनाएं तो अंदर घी ज़रूर डालें। बिस्मिल्लाह, हमने आधा किलो हमारी दाल है। ठीक है। और हम तकरीबन 1.5 किलो के करीब ना पानी डालेंगे। ठीक है। और इसको हमने 10 मिनट रखना है। अब इसको हम बंद कर देते हैं और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ना जी, ये दाल बन गई है हमारी। ठीक है। इसमें ये देखिए, इतनी थिक होनी चाहिए। ठीक है। ये देखिए, अगर आप लोगों ने पतली करनी है, जिसको पतली पसंद है वो पतली खाएं, वो जिसको ठीक गाढ़ी पसंद है वो गाढ़ी खा सकता है। मुझे इस तरह की पसंद है। ठीक है। अभी ठंडी हो के इसने और भी क्या कहते हैं गाढ़ी होना है। ठीक है। अब इसको एक साइड पे कर देते हैं। अब मैं मसाला तैयार कर लूँ। ये घी डाला मैंने। ठीक है। इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन। ठीक है। लहसुन पहले मैंने डाल देना, थोड़ा सा फ्राई होगा तो फिर मैं अदरक डालूंगी। ठीक है। अभी और जो चीज़ डालनी है वो आपके सामने डालती हूँ। हाँ जी, ये देखिए इस तरह हो जाए ना, थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन, उसके साथ ही हमने ये डाल देना है अदरक। ठीक है। ये तड़का बहुत ही मज़े का होता है। हाँ जी, ये देखें हमारा तड़का तैयार हो गया है। इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून जीरे का डालना है, ये एंड पे डालना है। ठीक है। और ये हमने सुरख मिर्चें, जो हमारी मसाले की जान है, ये हमने डालनी है। ठीक है। और एक और चीज़ डालनी है, बल्कि दो चीज़ें डालनी है। ये हमने अब फ्लेम बंद कर देना है। इस ये फ्लेम बंद करके इसके साथ ही हमने ये मसाला डालना है, ये कोरमा मसाला है, और थोड़ा सा बस डालना है ये खुशबू के लिए। ठीक है। ये देखिए, ठीक है।
ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट भी ज़रूर दें। अब ये धनिया डाल देना ऊपर। देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। और साथ अचार रखेंगे, साथ हम चावल डालते हैं। चावल मैंने पहले के बना लिए हुए हैं, साथ ही बना लिए थे। और ये मैं चख के तो आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये डालने लगी हूँ, खाने लगी हूँ, ठीक है। और साथ अचार, ये ये है गाजर है, ठीक है। ये हरी मिर्च है और ये लहसुन का अचार है, ठीक है। और ये नींबू का अचार है। मैं आपको सारे दिखाती हूँ, ठीक है। और ये आम जो मेरी पसंद का है, अब हम खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ये देखें, खाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है, ठीक है। और दुआ में याद रखें। अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।